सया जी, ये लाइट क्यों बंद है? सया जी, अरे यहाँ क्यों बैठे हो और ऐसे लाइट क्यों बंद कर दिए? सया जी, तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हो रहा है? ये अलमारी खुली क्यों है? ये बैग, तुम बैग पैक करके क्या कावेरी के साथ भाग जाने का प्लान था क्या? मतलब क्या हुआ सया जी? अरे बोलो ना, क्या हुआ? अलमारी में वो, अलमारी में क्या? सया जी बोलो, अलमारी में क्या? बस करो तुम्हारा ये डरना, ये सब तुम्हारे नाटक, बस करो। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुम कावेरी के साथ पीछे आंगन में कैसे पहुँचे? ये सब कुछ अन्ना नायक का है और अन्ना नायक आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। ना ये सब छोड़ूंगा और ना तेरा पीछा छोड़ूंगा। ऐसे चीख पुकार से डरने की नौटंकी करने से कुछ नहीं होने वाला है सया जी। मुझे ना, मुझे ठीक से बताओ, वरना इस कमरे में तुम अकेले रहना। बोलो ना सया जी। सया जी, सया जी, सया जी, अरे तुम्हें तो बुखार है। सया जी आओ आओ, इधर आओ। तुम सोए नहीं अभी? नींद नहीं आ रही है मुझे। I'm sorry। Sorry क्यों? पूर्वा का सबको बहुत टेंशन है, उस सब में मेरा भी टेंशन आ गया ना। शांति से सो जाओ, जल्दी ठीक होना है ना। एक साथ रहने का सोचा, फिर से एक बार घर बसाने का सोचा, पर ये सब बच्ची के कारण हुआ है। पर उसका ये दाव उसी पर पलट जाएगा। मैं उस कावेरी को नहीं छोड़ूंगी। वो बच्ची तुझे उससे दूर करने के लिए ही मुझे लेकर आई है, पर उस सया जी को मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी। घर में शादी ब्याह की जल्दी पड़ी है, पर ये शादी जान लेके रहेगी। हमारी शादी तो नहीं हुई, फिर भी होने दे इस घर में शुभ कार्य। आमंत्रण की जरूरत नहीं है, हमें आएंगे हम। ये लो टिफिन। नहीं चाहिए मुझे। अजी, इसने कल से कुछ खाया नहीं है जी। विनय सुनो, लड़की के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। फिर बात अटकी कहाँ? समझ में नहीं आ रहा है, पर घर में विचित्र वातावरण हो रहा है। वो यहाँ से जाने से पहले ही देखना था ना। मैं तो पहले से ना कह रही थी, पर आपने ही हाँ कर दी।
अब गांव में भी पता चल गया कि विनय के रिश्ते की बात चल रही है। मेरे भाई ने एक रिश्ता लाया था, उसे भी मैंने मना कर दिया। पर मैं सिर्फ पूर्वा से ही शादी करूंगा और मेरा ये निर्णय पक्का है। आपने मंजूरी दी तो आपके आशीर्वाद से, और अगर नहीं दी तो आपके आशीर्वाद तो है ही। विनय, विनय, अजी, इकलौता बेटा है हमारा, कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो नाक कट जाएगी। अरे क्या है वो, जल्दी देख ले, घर में शादी है। विघ्न ना हो। शादी होनी ही है तो उसमें विघ्न तो आएंगे ही, पोती का सुख या फिर बहू का भला, इसमें से कुछ एक ही होगा। प्रार्थना करो भाई कि शादी के लिए लड़के वाले मना कर दें। ये क्या बोल रही है तू, पोती का भला करने का? विचार कर, पोती या बहू, शुभ होने वाला हो तो उसका हाथ पकड़ के अशुभ भी आता ही है घर में। सरिता, सरिता, क्या हुआ? सरिता कहाँ है? वो किस लिए चाहिए? दलिया कैसे बनाते हैं वो उससे पूछना था। किसे चाहिए दलिया? सयाजी को। किस लिए? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कल रात को अचानक उसे बुखार आया और क्या हुआ समझ ही नहीं आया। वो इतना डर गया था, उसे बहुत पसीना आया था और नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था, पास मत आना, दूर रहो वगैरह, कुछ भी नहीं समझा। फिर सरिता क्यों चाहिए? मैं बना देती हूँ। अच्छा जरा वो डिब्बा निकाल के दे। ये? हाँ। आराम से, आराम से, आराम से। शादी नहीं हुई तो अच्छा ही होगा, सुनो नायक, वरना दो जाने गवाओगे। क्या हुआ कावेरी? सच में विनय के घर वालों ने कॉल नहीं किया। उनका जवाब आया होता तो मैं बताता नहीं क्या तुम्हें? बराबर, हम करें उन्हें कॉल? नहीं, अच्छा नहीं दिखता है, आएगा उनका कॉल। अभी? हाँ करेंगे ना वो कॉल। पता नहीं है बेटा कहाँ फंसने वाला है तू, कावेरी के साथ जो हुआ वो तेरे साथ नहीं होना चाहिए।
बाची, क्या कर रही हो तुम ये? सुसलिया मेरी बात सुन। मैं क्या, अब इस घर के सभी लोगों को तुम्हारे मुंह से ही तुम्हारे जो ये चाल है ना वो बताओ। चलो, नहीं तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको, चलो आओ नीचे। चलो नायको, ओ नायको, तुम्हारा ये रूप ना सबके सामने आने दो। आओ नायको, बाहर आओ। इंदु नायक, माधव, दत्ता, बाहर आओ। ओ, अरे क्या हुआ? अरे क्या कर रही हो, छोड़ो इन्हें। इसे छोड़ू, इसे छोड़ू? मेरे पति की जान लेने चली है ये, इसे छोड़ू मैं? सुसलिया मेरी बात सुन, तेरे पति के भले के लिए। भले के लिए? मेरे पति के भले के लिए? इसलिए तो छुप छुप के हमारे कमरे में आई थी? तेरी विद्या का प्रयोग मेरे पति पर कर रही थी? उसे जबरदस्ती कुछ खिला रही थी? दिखा, क्या है ये? देख लिया इंदु नाइक, इसलिए विश्वास रखा था तुमने इस पर? और अभिराम, इसके कहने पर तुमने हम दोनों को यहाँ रखने की इजाजत दी थी ना? अब देखो ये क्या कर रही है, देखो। अरे वो क्या कह रही है, वो पहले सुन तो ले। क्या सुनना है, क्या सुनना है बता। कल वो कुछ भी कहेगी तो सभी बातों पर विश्वास कर लूं मैं? कल कहेगी अपने पति की बलि चढ़ा दे तो क्या अपने पति की बलि दे दूं? समय पर इलाज नहीं हुआ तो तेरे पति की बलि वैसे भी चढ़ेगी। बच्चे मुझ पर चिल्लाओ मत, पति की तबीयत ठीक नहीं ना, उसी के लिए मैं कोशिश कर रही थी, अरे इलाज कर रही थी। तुम्हें पता है, पता है तुम लोगों को क्या होने वाला है? सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो अनर्थ होगा ही। और क्या अनर्थ होना बाकी है? मेरी जिंदगी की बुरी दशा होते हुए भी मैं रोज देखती हूँ यहाँ, रोज देखती हूँ। और यहाँ इस घर में एक लड़की की नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी शुरू है। मेरे घर गृहस्थी में आग लगाई जा रही है और कैसा अनर्थ होना बाकी है? सुश्लिया रुक जरा। किसका फोन है? विनय के बाबा का फोन है। पोती का शोक या बहू का भला, इनमें से कुछ एक ही होगा। प्रार्थना कर बन के शादी के लिए लड़के वाले मना कर दें। हेलो, हाँ अभिराम बोल रहा हूँ। अभी क्या हुआ? जिस तरह से वो लोग यहाँ से गए थे ना, उस पर से तो ऐसा लगता है कि पूर्वा के लिए उनकी ओर से हाँ कर दी है। उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी है। सयाजी उठो, सुबह हो गई है। सयाजी ठीक लग रहा है क्या? मैं नहाने जा रही हूँ, तुम उठ जाओ।
निकल यहाँ से, मेरे आसपास भी मत आना। क्या करेगा? मैं हिम्मत है? है हिम्मत? है हिम्मत। तेरा लुक्का छुपी का खेल कावेरी के साथ खेल, मेरे साथ नहीं। कावेरी के साथ का खेल अब कावेरी के साथ ही खत्म होगा। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, फिर भी ये खेल रंग लाएगा और उसमें तू रंग भरेगी। तूने अन्ना को आसानी से बंधन से मुक्त नहीं किया है, तो कावेरी को मुझसे दूर करने के लिए तूने उन्हें बंधन से छुड़वाया है ना? पर तू ही तेरे जाल में फंस गई है बच्ची। मैंने कावेरी के साथ की हुई दोस्ती तू नहीं तोड़ पाएगी, पर अगर अन्ना सयाजी के पास आए तो अन्ना उसे भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों दिख रहे हो मुझे? हाँ, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुझे अपने पास आने नहीं दूंगा। मेरी हालत उस कावेरी जैसे नहीं होने दूंगा मैं। क्या करेगा तू? यहाँ से चला जाएगा? अरे कहाँ जाएगा? इससे पहले अपनी औरत के साथ इस गांव को छोड़कर जाने की कोशिश की थी ना, जा पाया था? फिर से घूम फिर के यहीं आएगा। अब घूमना नहीं, अब यहाँ से आगे तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा। अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए, देख, तेरे होने का या ना होने का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात याद रखना, मैं तुझे मेरे मन पर हक जमाने नहीं दूंगा। मुझे मेरा अस्तित्व है और उसे मैं मिटने नहीं दूंगा, याद रखना। कावेरी, तुमने कहा था ना कि सुषमा की आई तुम्हें दिखती है? क्या वो तुम्हें कोई तकलीफ देती है? तकलीफ नहीं, तकलीफ नहीं देती है वो। वो बहुत अच्छी है, वो मुझसे बातें करती है, मैं जो कहता है वो समझता है और मेरा मदद भी करता है। सच बोलूं, तुम विश्वास करोगे ना? हाँ बोलो ना। क्या वो ना मेरी बहुत पक्की सहेली है, कोई मेरे साथ रहे ना रहे वो मेरे साथ रहती है। मैं प्रॉब्लम में फंस गया ना तो वो मेरे लिए दौड़ के आती है मदद करने के लिए। वो मुझे बहुत वो तुम क्यों पूछ रहे है उसके बारे में? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही, मतलब तुम्हें कई बार उससे बात करते देखा इसलिए। वो क्या है ना, दोस्ती का हाथ उसने बढ़ाया, अब दोस्ती में निभाएगी ना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये दोस्ती तुम्हारे लिए कितनी घातक है। जो हालत तुम्हारी हुई है वैसी मुझे अपनी हालत करनी नहीं। मुझे ना तो इस अन्ना नाइक के साथ दोस्ती करनी है ना ही लगाव, और ऐसे ही कुछ होने वाला है ना तो इस अन्ना को मैं अपने आसपास तक फटकने नहीं दूंगा। उसकी कोशिश को मैं कामयाब होने नहीं दूंगा। कि मैं कितना डर गई, मुझे कुछ हो गया होता तो। अच्छा बोल, बुरा मत बोल पूर्वा। और अब ये चिंता डर सब साइड में अलग रख दे, अब सिर्फ तू खुश रहे।
और ऐसे ये सब टेंशन डर लेना है ना, तो मैं और तेरा अभी काका नहीं संभालेगा। काकी अभी से विनय संभालेगा ना। काकी तुम भी ना। पूर्वा मुझे बता, मैं ऐसे विनय का नाम लेता तो तेरे को ऐसा गुदगुदी होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को तो होता है, मतलब अभी को मैं जानता था प्यार था, पर फिर भी शादी तय हुआ ना तो पेट में ऐसा गुदगुदी होता था, डर लगता था। पर इट्स ओके। हाँ तुझे भी डर लगेगा, पर अब तो विनय है ना हाथ पकड़ने के लिए, तुझे सपोर्ट करने के लिए, संभालने के लिए। काकी तुम भी ना। होती है ना गुदगुदी। अरे कावेरी देखा कितनी खुश है वो। तुम्हें भी बहुत खुशी हुई होगी ना। हाँ वो विनय के घर कॉल आया था, सभी खुश हो गए। नहीं सभी को नहीं, कोई एक है जिसे इस शादी से खुशी नहीं हुई है, वो इस शादी के लिए विरोध करेगी। तेरी खुशी नहीं देखी जा रही उससे। कौन है वो? मुझे क्यों दिखता है वो? मेरी हालत उस कावेरी जैसी तो नहीं होगी ना। देखिए आपके कहने पर ही मैं यहाँ पर रुका हूँ, इन मुश्किलों से आप ही मुझे बाहर निकालने वाली थी, फिर क्यों हो रहा है ऐसे? क्यों दिखता है वो मुझे? क्यों बात करता है मुझसे? मेरी भी उस कावेरी जैसी फंस गई है, तू सावधान रहे। घर में अब कैसे क्या क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। माई कावेरी भाभी कहाँ है? वो है यही। तू क्या लाया? वो कावेरी भाभी मीठा बनाने वाली है ना, तो उसके लिए सामान लाने के लिए कहा था। माई बहुत भारी है, बहुत भारी है। फिर रख दे वही। माई वो कब बनाएंगी? मोनी पम पम। हाँ समझ गए, मैं समझ गई। बनाएगी हाँ अभी, और बन गया ना फिर तुझे आवाज देती हूँ। हाँ माई बुलाइए। हाँ 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 हाँ। अरे पांडू, अरे सामान लाए हो ना फिर रख दो। भूल गया पगले, हमेशा भूलता है तू हमेशा। माई बुलाना। हाँ क्या ये रास्ते में सामान क्यों रखा है? अरे वो कावेरी कुछ मीठा बनाने वाली है ना, इसीलिए पांडू सामान लाया है। हे भगवान क्या लाया है वो घर में? क्या हुआ? अरे ये देखो कोला लेकर आया है घर में। हे भगवान पांडू, हे पांडू, कावेरी नीचे आ। ए पांडू। क्या रे क्या हुआ? ये देख रहे हो ना कद्दू? हाँ कावेरी ने सामान लाने के लिए बोला था, मीठा बनाने के लिए, उसमें ये कोला लेकर आया है। कोला क्यों मंगवाया? ऐसा क्या बनाने वाली है वो? कावेरी, ओ कावेरी। आजा। क्या हुआ? आजा इधर। तेरी ना मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इसको क्या बोलते हैं नहीं पता तुझे? तो फिर ये मंगवाया क्यों था? अरे ये कोला जब घर में मंगवाया जाता है तो क्या होता है पता है ना? मुझे पता है घर में कोला लाने से क्या होता है,
हमने नहीं मंगाया है कोला, उस लिस्ट में कोला था ही नहीं। ये सब उस पांडू ने गड़बड़ की होगी। दत्ता ठीक है ना, गलती से हो गया होगा। अरे ऐसी गलती हा? कल घर को बर्बाद कर देगा वो। बावले, ए बावले, ए पांडू, बन गया उन्नी पम पम पम। मीठा चाहिए तुझे? मीठा चाहिए? ये क्या है? कोला है वो, कोला। तत्तबो, इसे घर नहीं लाते, फेंको फेंको इसे। इतना समझता है ना तुझे, फिर क्यों लाया तू? मैं नहीं लाया। तू नहीं लाया? नहीं। तू नहीं लाया? तू नहीं लाया? मैं दत्ता भाऊ, गुस्सा हो गया। कोई बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा। दत्ता रोक, उस बेचारे की क्या गलती? उसने नहीं लाया ये, वो आया है। हे भगवान, क्या बोल रही हो? इस घर में कैसे क्या क्या होगा उसका अंदाजा तुम लोगों को नहीं, पर मुझे दिखता है। इसलिए खबरदार, जो शुभ कार्य करना चाहते हो उसे टालने का सोचो, वरना अनर्थ टलने वाला नहीं है। पूर्वा की शादी से घर में जो होने वाला है वो अगर सहन करने की हिम्मत है ना, तो बेशक करो, वरना शादी तोड़ दो। शुभ कार्य करना चाहते हो उसे टालने का सोचो, वरना अनर्थ टलने वाला नहीं है। कोई तो है जिसे इस शादी से खुशी नहीं, वो इस शादी का विरोध करेगी। अभी पूर्वा की शादी का सोच रहे हो ना तुम? मैं कुछ बोलूं? बच्ची का कि ऐसा क्यों करता है? घर आई हमारा प्रॉब्लम दूर करने के लिए, बराबर सब ठीक करने के लिए। पूर्वा की शादी अच्छी बात है ना, वो विरोध क्यों करता है? शादी के लिए वो क्यों ना बोलता? उन्हें शादी से कोई एतराज नहीं है कावेरी। अभी लेकिन करने के लिए भी राजी नहीं है ना। बच्ची काकी आगे आने वाले संकट की चेतावनी दे रही है हमें। वो प्रॉब्लम आया ना तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस है, हम वो सब ठीक करेंगे ना प्रॉब्लम। पर पूर्वा की जिंदगी में जो प्रॉब्लम है ना, उसका एक ही ऑप्शन है, ये शादी होना चाहिए। एक तरफ बच्ची काकी का कहना है और दूसरी तरफ पूर्वा का जीवन है। इस सब के बाद इस सवाल का करेंगे क्या? बच्ची काकी का कहना भी नहीं डाल सकते। मतलब? कावेरी, पूर्वा की चिंता मुझे भी है, पर क्या? अभी पर क्या? नहीं, तुम नहीं बदल सकते निर्णय वच्ची काकी के लिए। वो बोल रही है तो तुम सुनोगे, और शादी नहीं तोड़ सकते तुम अभी। मुझे बोलो क्या बोलोगे पूर्वा से? जो अभी तुमने निर्णय बोला मुझे, वो पूर्वा को बोलोगे? बोल सकता है कि पूर्वा विनय का विचार मत करो तुम, ये शादी का विचार छोड़ दो, ये हिम्मत है बोलने के लिए? नहीं तो जाओ बोलो कि पूर्वा बेटा, अभी काका कुछ नहीं कर सकता है, तू इस घर में ऐसे ही, ये जो अवस्था में है तू ऐसे ही रहो, यही जिंदगी है तेरा, जाके बोलो ना अभी। बच्ची जो कह रही है वैसा सच में कुछ है क्या? है क्या और नहीं क्या, जो कुछ भी है हमारा नुकसान होगा, ऐसा बच्ची का कहना है। मुझे भी लगता है कि पूर्वा का सब अच्छा ही हो,
इस शादी के कारण पूर्वा का अच्छा ही होगा, ये जरूरी है क्या? और तो और, इस शादी से पूर्वा के पहले वाले ससुराल से जो भी मिलना था वो भी हाथ से चला जाएगा। हमारे पास अभी कुछ भी नहीं रहा ना, फिर भी उसके ससुराल का जो कुछ भी है उसी पर अब हमारी आशा है ना। कैसे विचार है तेरे, यहाँ बेटी की। मुझे वचन दो कि ये शादी होने के बाद पूर्वा रानी की तरह राज करेगी। बच्ची का कहना है समझ के मैं बोल रही हूँ कि ये बात जल्दी जल्दी में आगे मत बढ़ाओ। अरे कुछ भी हुआ तो ये आगे आगे नाचने वाले है ना सब पीछे हटेंगे, लोग हमें ही बोलेंगे ना बेटी की क्या हालत कर दी। उसमें पूर्वा के लिए भी हम ही बुरे बनेंगे ना, उसे समझ में क्यों नहीं आता हम उसके भले का ही विचार कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आपका पेन। हाँ दीजिए। इतना मत करो मेरे लिए, मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। पर मेरी जिंदगी में आज भी तुम्हारी ही जगह है पूर्वा। उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी है। तुम पूर्वा दीदी के पति हो ना, नए पति? हाँ हाँ मैं ही हूँ। वो मैं मिठाई लेकर आया हूँ। मिठाई? हाँ हाँ। हाँ, लो। वो नहीं, वो वाला, वो वाला। अच्छा अच्छा। पूर्वा दीदी को बुलाओ। पूर्वा दीदी। नहीं नहीं नहीं। पूर्वा दीदी, पति आया है, नया पति। पूर्वा दीदी। अरे रहने दो। मिठाई। पूर्वा हाँ कर दी है तो आई ने कहा कि सबके लिए मिठाई लेकर जाओ, इसीलिए मिठाई लेकर आया हूँ। सब लोग घर पे है ना? क्या हुआ पूर्वा? विनय कभी आया? अभी आया। अभी अभी। अरे विनय तुम कब आए? अभी काका बस अभी आया। ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मिठाई लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और सोचा पूर्वा से भी मिल लूंगा। हाँ मैं क्या बोलती है, पीछे जाओ और बात करो। अभी काका पर। पूर्वा जा। पांडू तू मत जा पीछे। नहीं जाना है। बात करने दे उन्हें। हाँ। अभी मुझे लगा कुछ नहीं होगा पर अब ये देखकर सब ठीक होगा। अंदर चल। हाँ सब कुछ बिल्कुल अच्छे से होगा। इस घर में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, और अगर कुछ बुरा होने वाला होगा ना तो पूर्वा की शादी ना हो यही अच्छा है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो, उसका भला होगा तो अच्छा ही है ना। बराबर, उसका भला होगा और आगे क्या। सयाजी मैं बहुत हिम्मत दिखा रही हूँ, बहुत डट के खड़े रहने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी डर लगता है। सयाजी बच्चे ने कहा था पूर्वा की शादी हुई तो खतरा है, और ये खतरा किसे होगा? मतलब सयाजी तुम्हें अच्छे से पता मैं क्या कहना चाहती हूँ। सयाजी तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई अपना है ही मुझे नहीं। मुझे कुछ भी नहीं होगा सुषमा, कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता मेरा। आने दो मेरे सामने कोई भी, मैं नहीं डरता किसी से। सयाजी इस घर में जो कुछ भी होता है उसका अनजाने में असर तुम पर ही हो रहा है, हमारी जिंदगी पर हो रहा है, इसलिए इस घर में नया कुछ होना ही नहीं चाहिए। उस पूर्वा का चाहे कितना भी भला क्यों ना हो फिर भी मैं चाहती हूँ वो ना हो।
सुषमा कैसे बताओ मैं तुम्हें। मुझे वो दिखने लगा है, मुझे अन्ना नायक दिखता है। क्या हुआ पूर्वा? आया हूँ तब से देख रहा हूँ, तुम गुमसुम हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो पूर्वा, मुझे अब तुम्हें ऐसे नहीं देखना है। देखो पहले जो हुआ सो हुआ, अब हम फिर से नए जिंदगी की शुरुआत करते हैं ना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ पूर्वा, मैं हमेशा हर हालात में तुम्हारे साथ रहूंगा। पर विनय, क्या हुआ है? क्या हुआ? आई बाबा का अभी ना है क्या हमारी शादी के लिए? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें भी उन्हें थोड़ा समझना चाहिए, उनके विचार उनकी धारणाएं, इनमें से बाहर निकलने के लिए उन्हें थोड़ा समय देना होगा पूर्वा। पर ये शादी होगी, जरूर होगी, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अभी कहां इनकी जिंदगी शुरू होने जा रही है। ए सयाजी, धकेल दूं क्या इसे? इतनी इतनी सी बात पे डरता है, कैसे होगा तेरा? वैसे तो उसकी जान मैं अभी ले सकता हूं, पर दोनों शादी करने जा रहे हैं। खत्म हो गया क्या? क्या खत्म हो गया? वो पूर्वा दीदी का पति लेके आया था ना, वो मिठाई मीठा, वो खत्म हो गया। बावले कहाँ है? वो चला गया क्या? हाँ, गए, घर नहीं गए, पीछे आंगन में गए हैं। जाना मत, हाँ दोनों बात कर रहे हैं। देख लिया पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है? जो कुछ भी चल रहा है ना वो ठीक नहीं है, चलो। वो मिठाई। विनय थैंक यू। क्यों? मेरी जिंदगी में इतना कुछ हो गया है और फिर भी तुमने मुझे स्वीकार किया। पूर्वा मैं तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, पूर्वा मुझे मेरा प्यार वापस मिला है और मुझे इसे संवारना है। पूर्वा मुझे घर बसाना है तुम्हारे साथ। पूर्वा, वाह अच्छा चल रहा है तुम्हारा। क्या चल रहा है ये? बाबा वो मैं सिर्फ मिलने आया था। कैसे छुप छुप के मिलने आया था? शर्म नहीं आती क्या? और क्यों री पूर्वा? अरे शादी तय हो गई, मतलब शादी हो गई ऐसा नहीं होता, अभी सर पर चावल गिरने बाकी हैं। आए हम बात कर रहे थे सिर्फ। हाँ और शादी तय होने के बाद ठीक से बात तक नहीं हो पाई थी हमारी। तो ऐसे पीछे आंगन में आकर करोगे? पूर्वा तुझे पता नहीं आता तू भी मिलने आई? रुको, सबको पता तो चले कि शादी से पहले छुप छुप के मिलते हैं ये। अभिराम भैया आई। ओ अभिराम भैया आई, सुनो तो मेरी बात। वो बंद कर। कावेरी बाहर आ, देखो आपके राज में क्या क्या होता है, देखो जरा। आइए आइए आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? आइए आपके दामाद जी आए हैं मिलने। आगे के दरवाजे से आते ना तो मैं आओ भगत करती इनका, पर पीछे के दरवाजे से आना मतलब चोरों की हरकत है ये। अरे सरिता ऐसे क्या बोल रही है तू, उन्हें दामाद है वो तेरे। अभी शादी नहीं हुई है और अगर ऐसा हो रहा है ना तो हमें भी सोचना पड़ेगा। माफ कीजिए, सच कहूं तो मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। विनय रुको, इसमें ना विनय की गलती है ना ही पूर्वा की गलती है। तभी मैं सोचूं मेरी बेटी ना ऐसे छुप छुप कर किसी से मिलने वालों में से नहीं है। वो मिलने वाली ही नहीं थी भाभी, मैंने कहा पूर्वा से विनय को मिलने के लिए। या दोनों को बात करने के लिए हमने भेजा था,
पता चल गया ना सबको? पड़ गई ठंडक? ये देखो, तुमने रिश्ता जोड़ा है, पर ऐसा नहीं है कि जो चाहे वो मनमानी करोगे। कल किसी को बिना बताए मंदिर ले जाकर इन दोनों की शादी करवा के ले आओगे। सरिता चुप हो जा, क्या बोल रही है? आई मैं बोल रही हूँ? अरे देख रही हो ना, आप ही बताओ मैं सही नहीं हूँ क्या? अरे वाह, आ गई। आजा, 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 यहाँ, आजा। हम्म, बता, क्या बताया था? इन सब को फिर से एक बार याद दिला दे। नहीं, सरिता का बोलना दिखता है ना सबको, पर क्यों बोलती है वो नहीं दिखता ना किसी को। और मेरी बेटी का भला वो मुझसे देखा नहीं जाएगा क्या? पर मैं इस घर के लिए बोलती हूँ, इस घर पर कोई संकट ना आए ना, इसीलिए बोलती हूँ मैं। मतलब ये क्या है? अरे विनय, नहीं नहीं कुछ नहीं, हम बात करेंगे इस विषय पे, बाद में बात करेंगे। देखो विनय, तुम्हें जो कुछ तकलीफ हुई है उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। नहीं अभी काका, मुझे तकलीफ नहीं हुई है, पर मेरे यहाँ आने से कोई गलतफहमी हुई होगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार आपकी परमिशन लेकर मिलूंगा। उर्वा, मैं चलता हूं। अभी बता देती हूँ। आइए, ये तुम्हारी लाडली बहू है, पर मैं भी नाइक की बहू ही हूँ और मुझे मेरे घर की चिंता है, इसीलिए बोलती हूँ। ये बच्ची जो कह रही है वैसा हुआ ना तो ये शादी मुसीबत बन जाएगी। उससे तो अच्छा है कि ये शादी ना। शादी होगी? नहीं है विश्वास मुझे ये सब पर। माफ करो मुझे, मैं छोटी आपसे, आप बड़ी है मेरे से, विद्या है आपके पास, मेरे को क्या लगता है उससे ज्यादा पूर्वा की शादी ज्यादा जरूरी है। मुझे जो होगा मैं देख लेगा, मेरे सामने आएगा देख लेगी मैं, पर ये शादी हो जाने दो प्लीज। होगी ये शादी, और कुछ भी हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार मैं खुद अभिराम नाइक और मेरी पत्नी कावेरी अभिराम नाइक हम होंगे। इस शादी की जिम्मेदारी हम लेते हैं।